ओम शांति। आज 9 नवंबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की गति सदगति करने की मत वा राय सबसे न्यारी, सबसे न्यारी। इसलिए गाते हैं तेरी गत मत तुम ही जानो, वो स्वयं आकर अपनी मत देते और कोई दे नहीं सकता। प्रश्न, ब्रह्मा कुमार कहलाने के अधिकारी कौन है? आज सबसे टफ मुरली है, मतलब ब्रह्मा भाई टफ ये है कि सबका नाम ब्रह्मा कुमारी की लिस्ट से गया, उनका स्वभाव कैसा होगा? क्योंकि बाबा की जो आज कंडीशंस है उससे तो ब्रह्मा कुमार कोई भाग्यशाली आत्मा होगी जो अपना नाम ब्रह्मा कुमारी समझ सकती है, बाकी नाम तो कोई कुछ भी रख ले। और नहीं, ध्यान दीजिए ना, बोला ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाने के अधिकारी कौन, ये पूछा है, और उनका स्वभाव कैसा होगा। अब इसका जवाब दिया है, जो बाप समान मीठे और प्यारे। खाली मीठे प्यारे से नहीं है मतलब, ठीक है नहीं? मतलब कहने का है कि ब्रह्मा कुमार के नाम से नाम ही नहीं लगा सकते हम अपने साथ, बाबा की आज की मुरली के हिसाब से। जो बाप समान मीठे और प्यारे हैं, जो कभी मत भेद में नहीं आते, वही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाने के अधिकारी। मत भेद में कैसे नहीं आते? नहीं, अच्छे हैं, परंतु यहाँ कहाँ अच्छे हैं, मतलब मत भेद तो है ना। जब तक हमारे अंदर आपस में परिवार में और समाज में आगे मतभेद, बीके का स्वभाव बहुत बहुत मीठा होना चाहिए। कहाँ है मीठा स्वभाव, चेक करो अंदर जरा भी कड़वापन। कड़वापन को बताया क्या होता है, देह अभिमान ना हो। हम मुरली सुनते हैं उतनी देर, कोई विशेष बात आ जाए तो बाबा याद, और नहीं तो फिर वही देह अभिमान, फिर वही देह अभिमान। मतलब सारा दिन हम देही अभिमानी रहे तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहला सकते हैं, यानी अदरवाइज नहीं कहला सकते। गीत, ओम नमः शिवाय, ओम शांति। सब सेंटर्स के नूरे रत्नों को बेहद का बाप समझा रहे हैं, सेंटर्स वाले बच्चे समझेंगे और सुन सकेंगे कि बाप क्या समझाते हैं। देखो इस दुनिया में हर एक को हर एक के लिए नफरत, इतनी क्लियर लाइन है, हर एक को हर एक के लिए नफरत, पसंद ही नहीं है। जिसको पसंद नहीं है कोई यदि किसी भी बात में, तो क्या है वो, ब्रह्मा कुमार नहीं है। क्योंकि जो है जैसा है वो अच्छा है, एक्सेप्ट कर। परंतु कितने एक्सेप्ट करते हैं, कितना हम एक्सेप्ट करते हैं, ये हर एक ने अपने आप को चेक कर। इस दुनिया में हर एक को हर एक के लिए नफरत है, गोरों को कालों के लिए नफरत है। समझते हैं ये हमारे गांव से निकल जाए, हिंदू मुसलमान को जाति भेद, वर्ग भेद, रंग भेद, अपना पोजीशन भेद, भला अनेक प्रकार के वर्गीकरण आज सारी दुनिया में हो गए हैं। इतने धर्म वाले सब एक दूसरे लड़ते झगड़ते,
जितने भी धर्म वाले हैं, इवन क्रिश्चियंस भी आपस में लड़ते हैं, इवन मुस्लिम भी आपस में लड़ते हैं, इवन सनातन धर्म वाले भी आपस में लड़ते हैं। मतलब बाकी दूसरों की तो बात ही अलग है, मतलब एक धर्म के लोग भी आपस में नहीं बनाते। हाँ, इतने धर्म वाले हैं, सब एक दो से लड़ते झगड़ते रहते, सब एक दो से लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये है ही रावण का राज्य, उनका अब अंत है। मनुष्य तो जानते ही नहीं, पुकारते रहते हैं कि हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता, हे लिबरेटर आओ, हे लिबरेटर आओ। दुख तो सबको है ही, बुद्धि भी कहती है कि इनको हेवन तो नहीं कहेंगे, हम रह रहे हैं इसको हेवन तो नहीं कहेंगे, सब दुखी हैं, नरक है ये दुनिया। स्वर्ग ही सबको याद आता है तो जरूर अभी नरक में है, नई दुनिया थी जरूर, फिर वे शांति के बाद सुख की दुनिया आएगी जरूर, शांति के बाद सुख की दुनिया आएगी जरूर, वहां इस दुख धाम का नामो निशान नहीं होगा, वहां इस दुख धाम का नामो निशान नहीं होगा। अभी फिर सुख शांति का नाम निशान, अभी फिर क्या नहीं है, सुख शांति का नाम निशान नहीं। 5000 वर्ष पहले सुख धाम था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में रहती थी, ये भी तुम अब समझते हो, जबकि तुमको परमपिता परमात्मा ने समझाया है। कहते भी हैं शल तुमको ईश्वर समझ देवे, ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर अच्छी मत दें, ईश्वर का ही नाम लेते हैं, ईश्वर का ही नाम लेते हैं, तो जरूर है कोई, जरूर है कोई, इस समय ईश्वर ने ही मत दी होगी और साकार में ही आकर दी होगी, साकार में ही आकर दी होगी। लिखा हुआ है श्रीमत भगवानोवाच, सिर्फ नाम कृष्ण का डाल दिया है, सिर्फ नाम कृष्ण का डाल दिया है, वास्तव में है निराकार भगवान की मत, तो जरूर नई दुनिया स्थापना हुई होगी, नई दुनिया स्थापन हुई होगी। भगवान ने तो सारी दुनिया में फेरा नहीं लगाया होगा, ना सारी दुनिया आ सकती है, ना भगवान सबके पास जा सकता है, ना भगवान सबके पास जा सकता है, ना सब परमात्मा के सम्मुख हो सकते हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, कोई बड़ा आदमी आता है उनको भी कोई सब थोड़े ही देख सकेंगे, कोई बड़ा आदमी आता है उसको सब थोड़े देख सकेंगे। इतनी सब मनुष्य आत्माओं को बाप आकर क्या देते हैं, गति सदगति, एक एक आत्मा, मतलब कोई बड़ा मनुष्य कोई बड़ा आदमी आवे वो सबको तो नहीं मिल सकता ना, परंतु परमात्मा आते हैं तो एक एक आत्मा को गति व सदगति देते हैं, कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाती जिसको गति सदगति नाम। शांति धाम और सुख धाम अलग अलग है, सुख धाम में अशांति नहीं होती और दुख धाम में फिर शांति नहीं होती। ये सब बातें बाप समझाते हैं जो कोई शास्त्र में नहीं। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल, वे सब कुछ जानते हैं, उनकी गति व सदगति की मत सबसे न्यारी है। गाते भी हैं, हे प्रभु तुमरी गत मत तुम ही जानो, जब तुम बताओ तब ही हम जाने, तो जरूर उनको आना पड़े, नहीं तो सदगति कैसे दे। सर्व का सदगति दाता, सर्व का बाप वे है, सब आपस में भाई भाई हैं, ना कि बाप बाप,
परमात्मा सर्वव्यापी हो जाए तो सारे बाप हो गए, सब बाप बाप भी नहीं है, ये समझ की बात है। परंतु आसुरी मत ने जो सुनाया वो मान लिया, आसुरी मत वालों ने जो सुनाया वो मान लिया, सब आसुरी मत के अधीन। तुम्हारे पास अब कितनी रोशनी है, ये लक्ष्मी नारायण जो इतनी ऊंच सदगति को पाए हुए हैं उन्हों में भी ये नॉलेज नहीं रहती। त्रिकालदर्शी बाप है, उन द्वारा ये राज्य पाया है। बाप किन्हों को आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं, किन्हों को आकर बनाते हैं त्रिकालदर्शी? जरूर बच्चों को ही बनाएंगे, सगे बच्चों को सिखाएंगे, फिर उन द्वारा और सीखेंगे, उनके द्वारा और सीखेंगे। बाप का बच्चा ब्रह्मा, ब्रह्मा और ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण, विष्णु व शंकर के बच्चे नहीं कहा जाता। गायन है प्रजा पिता ब्रह्मा, तो ये ब्रह्मा भी पिता, शिव भी पिता, दोनों बाप ठहरे। जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे, गायन भी है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना। अनेक धर्म मनुष्यों के हैं, तो एक धर्म भी मनुष्यों का था, अनेक धर्म भी मनुष्यों के हैं, एक धर्म भी मनुष्यों का था। मनुष्यों की बात है, जानवरों की तो खुद की तो हो ना सके। बाबा ने समझाया है, पहला प्रश्न पूछो किसी से भी, पतित पावन कौन, परमपिता परमात्मा या गंगा जल, पूछो उनसे, एक फैसला करो, उनको कहो एक फैसला करो, बता दो कि परमपिता परमात्मा पावन पतित से पावन है या गंगाचार। फिर इतने मेले आदि पर जो भटकते हैं उनसे छूट जाएंगे। कहते हैं पतित पावन, तो बुद्धि ऊपर जाती है। किसी भी मूर्ति के आगे खड़े होंगे, जब कहेंगे पतित पावन भगवान, तो बुद्धि जाती है ऊपर, ये उसकी मूर्ति है, चित्र है, वो तो भगवान तो ऊपर। ये मंदिर में जाने वाले भक्तों को भी ऐसा ही महसूस होता है कि उसकी मूर्ति है, भगवान तो ऊपर है। आदि पर जो भटकते हैं उनसे छूट जाएंगे। कहते पतित पावन, तो बुद्धि ऊपर जाती है। पतित पावनी गंगा कहने से फिर बुद्धि पानी की तरफ चली जाती। ज्ञान अमृत नाम सुना है ना, तो गंगा जल, जल को अमृत कहते हैं, तो गंगा अमृत बोल दिया। संस्कृत में गंगा जल को गंगा अमृत बोल दिया, तो आगे वालों ने गंगा के पानी को ही क्या समझ लिया कि गंगा का पानी ही अमृत है। तो सबसे मुख्य प्रश्न ये है, बाबा युक्तियां तो बहुत बताते परंतु किसको याद भी पड़े, टाइम पर बताए यूज तो करे ना उन युक्तियों को। बच्चे लिखते हैं बहुत प्रभावित हुआ, परंतु बुद्धि में बैठा कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना समझते हैं ब्रह्मा कुमारियां अच्छा रास्ता बताती हैं। घर गए खलास, इसलिए प्रदर्शनी में जब आते हैं तो एक एक बात पर अच्छी तरह समझाकर लिखाना चाहिए। सैकड़ों आते हैं, कोई की बुद्धि में एक बात भी नहीं ठहरती। बाबा के पास ऐसा समाचार नहीं आता कि इन इन मुख्य बातों पर भाषण किया। ये स्कूल है, टीचर पूछती है तो स्टूडेंट को जवाब देना पड़ता है। तुम टीचर होकर पूछेंगे तो जवाब देंगे, बच्चे बहुत खुश होते हैं। तुम बच्चे उतरती कला और चढ़ती कला पर भी समझाते। उतरती कला कब होती है हमारी,
और चौथी कला कब होती है? जब बाबा आते, बाबा आए तो चढ़ती कला, बाबा चाहे तो उतरती कला। जितना समय बाबा साथ है उतना समय चढ़ती कला। बाबा ने कंध क्या बोलते पीठ फेरी यानी पीठ फेरी और गिरती कला से। किसी को समझ में आएगी ये बात के बाबा जैसे ही जाते हैं सब की गिरती कला शुरू हो जाती और जितना समय बाबा रहते चढ़ते। बाबा इसको सबूत दे रहे हैं, कोई मुक्ति में गए कोई जीवन मुक्ति गए सबका भला हो गया ना। कितना भी किया हर एक ने अपना पुरुषार्थ अनुसार, जितना करना था उतना किया, सबकी चढ़ती कला हो गई ना। अब फिर उन सतो प्रधान सतयुग वालों को तमो प्रधान में नीचे जरूर आना है। अब सतयुग सतो प्रधान बन गए तो उनको नीचे तो आना ही है। 12 बजने के बाद शुरू हो गया अगला टाइम, पहला महीने का जन्मदिन मनाया, एक महीना जीवन का खत्म। 10 महीने का जन्मदिन मनाया, 10 महीने जीवन के खत्म। जितने जन्मदिन मनाते जाओ जीवन के उतने साल खत्म। हाँ मैं वही तो बताया ना आपको, ऐसा के हर महीने जन्मदिन मनाते हैं ना, मैं वही बता रहा हूँ। बोला हाँ बोलो शौक होता है क्या करना है, ठीक है खाना पीना वैसे ही खा पी लो, वैसे भी खाना है वैसे भी खाना है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि चाहे मंथ बनाओ साल मनाओ चाहे जो मर्जी मनाओ, गोल्डन मनाओ चाहे जो डायमंड मनाओ, परंतु उतना जीवन कम हो गया, अब बाकी थोड़ा सा टाइम और राय करने के। तो ये भी दिखाना पड़े कि द्वापर से उतरती कला होती है, चढ़ती कला उतरती कला का भी स्लाइड है, परंतु बच्चे समझते नहीं, समझाते नहीं, मतलब ये बात किसी को समझाते नहीं है। हर एक बात पूछना चाहिए, ये पढ़ाई है, टीचर होकर बैठना चाहिए, बाकी भाषण या स्टेज पार्टी बनी ये तो कॉमन है। स्टेज की पार्टी बनी, भाषण किया, ये किया, यहां तो हर एक बात पूछनी है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप एक है, वह सर्वव्यापी है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर बाप कैसे ठहरा, फिर बाप कैसे ठहरा बताओ। पतित पावन ज्ञान का सागर गीता का भगवान है या श्री कृष्ण, भगवान किसको कहेंगे? जरूर निराकार को कहेंगे। इस हिसाब से गीता क्या हो गई? खंडन हो गई। गीता माई बाप खंडन, तो सब शास्त्र खंडन हो जाते हो गए। तुम सिद्ध कर बताओ कि सारी दुनिया झूठी है, सब पत्थर बुद्धि हैं, पारस बुद्धि होते ही हैं सतयुग में। पत्थर बुद्धि हैं तब तो बाबा आकर पारस बुद्धि बनाते हैं, जो पारस बुद्धि थे वही आकर पत्थर बुद्धि बने हैं, जबकि सृष्टि का भी अंत है। बीच के टाइम में हम कह नहीं सकते कि तुच्छ बुद्धि व तमो प्रधान है, पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। क्रिश्चियन धर्म आया तो ऐसे नहीं कहेंगे कि तमोगुणी थे, नहीं, उनको भी सतो रजो तमो चारों ही अवस्थाओं में से गुजरना हर एक को। इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत तमो प्रधान है, इनका विनाश होना ही है, इस पर अच्छी रीति भाषण करना चाहिए। ऐसे नहीं जो आया सो बोल दिया, क्या बताना है वो डिसाइड करके ही बोलना। बड़े अक्षरों में ये पहेली लगा दो, ये पहेली लगा दो। कौन सी पहली? जो सब पढ़े
कि गीता का भगवान पुनर्जन्म रहित ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा या 84 जन्म लेने वाला शरीरधारी श्री कृष्ण भगवान ने गीता रची और पतितों को पावन बनाया, याद भी उनको करते हैं। अब कृष्ण की आत्मा भी पावन बन रही है, इस बात को उठाते नहीं। इस समय कृष्ण की आत्मा भी पावन बन रही है, ये बात बच्चे उठाते नहीं। और कहीं भी प्रोग्राम में टॉपिक में उठाएं कि कृष्ण भी इस समय पावन बनने की पढ़ाई पढ़ रहा। पांच विकारों के डायलॉग बहुत करते हैं, व्यंग मार्ग की सर्विस करनी चाहिए, अपने को अक्लमंद बहुत समझते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? अपने को अक्लमंद बहुत समझते हैं, परंतु ख्याल करना चाहिए कि अक्लमंद कैसे हो सकते, अभी तो कच्चे हैं। हर एक मर्चेंट, हर एक धर्म वालों को तुम्हें अलग अलग निमंत्रण देने हैं। रामकृष्ण वालों को बड़ा मठ है, रामकृष्ण वालों का बड़ा मठ है, हरि जन की भी एसोसिएशन है, उनके जो मुख्य हैं सबके सबको निमंत्रण देकर बुलाना चाहिए। ऐसे काम करने वाले कोई हो जो इसमें लगे रहे, अलग अलग ग्रुप वालों को बुलाएं, उनका प्रोग्राम हर समुदाय मतलब नहीं मतलब अपने लोकल में करना चाहिए। नियम अनुसार तो ये है कि जैसे मतलब जैसे एक वर्ग ले लिया, कपड़े वाले हैं, सारे कपड़े वाले दुकानदारों का एक प्रोग्राम रख दिया, ठीक है नहीं? हाँ, उस यूनियन बनी हुई है ना सबके, सब्जी मंडी में यूनियन बनी हुई है, उनको बुला लो, एक लास्ट संडे जो है ना छुट्टी होती है उनकी। और इसी प्रकार से मतलब अलग अलग बैंक के हैं या किसी ऑफिस के हैं या किसी साइकिल मार्केट वाले हैं, जो भी मार्केटें बनी हुई हैं, अलग अलग विंग है कि अध्यापक हैं या मंदिर वाले हैं या मंडली वाले सत्संग मंडली वाले हैं, मतलब हर एक के ग्रुप का एक मतलब ऐसे ग्रुप होना चाहिए कि वे उनको बुला के ले आए, उनको निमंत्रण दे के पहले से प्लानिंग बनाई जाए कि इस दिन ये प्रोग्राम होगा, इस दिन ये प्रोग्राम होगा, इस दिन ये प्रोग्राम होगा, फिर उनके लिए सब किया जाए, तब मतलब सेवा होगी। और सेवा करने के लिए हैंड्स भी उतने चाहिए, हर एक का अपना फिक्स होना चाहिए कि हमने ये काम करना है, हमने ये काम करना है, हमने ये काम करना है, तब मुरली सुनाना और छुट्टी कर देना। आपस में राय करनी चाहिए, बाप श्रीमत देते हैं, मुख्य प्रोब की बात उठानी है। तुम माताओं को अच्छी तरह ललकार करनी चाहिए, कमजोर नहीं बनना चाहिए, लेकिन कई ब्राह्मणों की भी आपस में नहीं, ब्राह्मणों की भी आपस में नहीं बनती, मतभेद के कारण आपस में बात भी नहीं करते, इतना मतभेद है। देह अभिमान बहुत है। राम राज्य में जाने के लिए तो लायक बनना पड़े, राम राज्य में तो लायक बनेंगे तब जाएंगे, वरना राम राज्य में जा नहीं सकते। ये नहीं कि हमने सेंटर संभाल रखा है तो हम राम राज्य में जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। कोई ना अलर्ट हो, कोई नहीं अलर्ट होगा ना, बस मुरली पढ़ेंगे और पता ही नहीं क्या पढ़ गया। सुन लो कल मुरली किसी की भी, कोई भी नहीं सोचे, कहीं रुकेगा ही नहीं इसके ऊपर, जो सोचने हम सोचें कि भी हम हाँ दाद जोर से नहीं हंसना चाहिए। हाँ
मतलब कहने का है कि देखते हैं ना कि सामने वालों को तो मुरली है नहीं हाथ में, क्लास में भाई बहनों के पास तो मुरली हाथ में है नहीं। हाँ कैसे पढ़ेगी उस लाइन को, वो स्किप कर। मतलब होता है इसमें आसुरी स्वभाव वाले तो रह ही नहीं सकते, उनको बीके कहलाने का भी इससे ज्यादा थप्पड़ क्या मारेगा बाबा। नहीं मतलब बाबा जो बाबा की पढ़ाई वंडरफुल है, मतलब कहने हाँ कोई फायदा ही नहीं। मतलब बात सारी समझने वाली है कि मतलब हमें इस पर बैठकर अपने आप को समझाना है कि बाकी मेरे हाथ में सिर्फ मैं हूँ, मैंने दुनिया का ठेका नहीं लिया, मेरे हाथ में मैं हूँ, मैं अपने आप को बैठकर समझाऊं, मुझे सुधरना है। परिवर्तन होगा ठीक है ना, वो उनका पार्ट है, परिवर्तन कोई करे या ना करे, मुझे बाबा की बात को समझना है और अपने आप को बैठकर समझाना है। बिल्कुल नेचुरल, क्यों प्रभाव पड़ता है। कोई कोई बच्चे कितने कड़वे बन पड़ते हैं, बाप कहते हैं ये तो जंगली कांटे, ये तो जंगली कांटे हैं, तो एक एक बात पर अच्छी तरह पूछकर फिर लिखना चाहिए। हाँ जी हाँ, देखो भे बच्चों को समझाना है, पता है बाबा को, और उनमें से किसी किसी को तो तीर लगेगा ना भाई, सबको नहीं लगेगा, जिसके भाग्य में है उसको तीर लगाना है ना, बाबा ने तो तीर लगाना है। हाँ जिसको लगना होगा वो लग पकड़ लेगा, वो अपने आप को सुधार करेगा, चाहे पढ़ने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, जिसको समझ में आ गया वो अपना सुधार करेगा, और जो सुधार करेगा वही बनेगा। इसमें इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। एक एक बात पर अच्छी तरह पूछकर फिर लिखाना चाहिए, पतित पावन परम आत्मा या गंगा, सर्व का सदगति दाता परम पिता परमात्मा या पानी की गंगा, ऐसे चित्र बनाने चाहिए। प्रोजेक्टर में भी पहेलियां आ सकती हैं, अब ये वीडियो पर भी भेज सकते हैं ये पहेली ना, प्रोजेक्टर में भी पहेलियां आ सकती हैं। उस जमाने में प्रोजेक्टर थे, अब ये क्या बोलते हैं यूट्यूब है, मीडिया है, मीडिया में ये पहेलियां भेजनी चाहिए, आ सकती हैं। अब जज करो गीता का भगवान कौन, बाप तो डायरेक्शन देते हैं, पहली बात पहली मूल बात सिद्ध करो, अलफ को जाना तो सब कुछ जान जाएंगे, बीज को जानने से झाड़ को जान जाएंगे, तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है, सिर्फ कहते हैं बीके बहुत अच्छी सर्विस कर रही है, मनुष्यों को लाभ लेना चाहिए, मनुष्यों को लाभ लेना चाहिए, आता एक भी नहीं, कहते हैं मनुष्यों को लाभ लेना चाहिए परंतु आता एक भी नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, आपस में राय कर विहंग मार्ग की सेवा करनी है, कभी मत भेद में नहीं आना है, टीचर बन सभी को अलग की पहचान देनी है, चढ़ती कला और उतरती कला का
राज समझाना है। ज्ञान की पहेलियां पूछकर सत्यता को सिद्ध करना है। वरदान मास्टर दाता बन खुशियों का खजाना बांटने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। वर्तमान समय सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। सब खुशी के भिखारी हैं। आप दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चों का काम है, क्या काम है? देना। जो भी संबंध संपर्क में आए उसी खुशी उसे खुशी देते जाओ। कोई खाली ना जाए। इतना भरपूर रहो। हर समय देखो कि मास्टर दाता बनकर कुछ दे रहा हूं या सिर्फ अपने में ही खुश हूं। क्या सिर्फ अपने में ही खुश हूं? जितना दूसरों को देंगे उतना सबकी दुआओं के पात्र बनेंगे। और ये दुआएं सहज पुरुषार्थी बना देंगी। ये दुआएं क्या करेंगी? सहज पुरुषार्थी बना देंगी। स्लोगन, संगम की प्राप्तियों को याद रखो तो दुख व परेशानी की बातें याद नहीं आएंगी। संगम की प्राप्तियों को याद रखो तो दुख व परेशानी की बातें याद नहीं आएंगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना है। ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना है। ओम रटो, ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं तो ओम कहने का मतलब ये नहीं कि ओम शब्द का उच्चारण करना है। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना। इस स्वरूप में स्थित होना है। मास्टर सर्वशक्तिमान कहने में कोई फायदा नहीं। मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति में स्थित होना। उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को वह शांति प्राप्त हो, वो शांति प्राप्त होती है। अब मनुष्य चाहते तो अवश्य है कि हमें शांति प्राप्त हो। उस शांति स्थापन के लिए बहुत सम्मेलन करते हैं, परंतु रिजल्ट ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं कि और ही अशांति दुख का कारण बनता रहता है। अशांति दुख का कारण बनता रहता है, क्योंकि मुख्य कारण है कि मनुष्य आत्मा ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया है तब तक दुनिया पर शांति कदाचित हो नहीं सकती। तो पहले हर एक मनुष्य को अपने 5 विकारों को वश करना है, अपने 5 विकारों को वश करना है और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है, तब ही शांति स्थापन होगी। तो मनुष्य अपने आप से पूछे, मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया? मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया है? उन्हों को जीतने का प्रयत्न किया है? अगर कोई पूछे तो हम अपने 5 विकारों को वश कैसे करें, कैसे करें? तो उन्हों को ये तरीका बताया जाता है कि पहले उन्हों को ज्ञान और योग का वास धूप लगाओ। वास धूप क्या होता है? अगरबत्ती, धूप जलाओ, खुशबू फैलाओ, ठीक है? तो पहले क्या देना है? ज्ञान लो और उस ज्ञान को अपने जीवन में लाने का पुरुषार्थ करो। वास्तुप लगाओ और साथ में परम पिता परम आत्मा के महावाक्य हैं, मेरे साथ बुद्धि योग लगाए, मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिमान प्रभु को याद करने से
विकार हटते रहेंगे, विकार हटते रहेंगे। अब इतनी चाहिए साधना जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखाते, खुद हमें कौन आके सिखा रहे हैं, परमात्मा सिखाते हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य परमात्मा की सदगति करने की मत क्या है, कैसे करते हैं सदगति। तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, अब ये महिमा किसकी है, क्योंकि परम आत्मा की सदगति करने की जो मत है वो तो परमात्मा ही जानता है, मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य की सिर्फ ये इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सुख कैसे मिले, जब तक मनुष्य अपने पांच विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनाए, अपने कर्म क्या ना बनाए, अकर्म ना बनाए, तब तक वो सुख मिल नहीं सकता। क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है, बहुत गहन है, जिसको सिवाय परमात्मा के कोई मनुष्य आत्मा उसकी गति को नहीं जान सकता। अब जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई है, तब तक मनुष्यों को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य कहते हैं तेरी गत मत तुम ही जानो, इनकी सदगति करने की मत वो परमात्मा के पास है, कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है ये शिक्षा देना परमात्मा का काम है, बाकी मनुष्यों को तो ये ज्ञान नहीं, जिस कारण वो उल्टा कार्य करते रहते हैं। अब मनुष्य का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना, तभी मनुष्य जीवन को का पूरा लाभ उठा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।